हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप जो ये पौधा देख रहे हो, ये है पीस लिली का पौधा, जो कि हमारे अमेरिका और दक्षिणी पूर्व एशिया के क्षेत्रों का मूल निवासी पौधा है। अगर इसकी पत्तियां आप देखेंगे तो थोड़ी सी चौड़ी और लंबी होती हैं, और यह मुख्यतः छायादार स्थान पे रहना प्रेफर करता है। पौधे को डायरेक्ट अगर आप धूप में रखते हो, पौधे की जो पत्तियां हैं सूखने लगती हैं, इसलिए इसको आप डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते। अगर इसको आपको रखना है तो उस जगह रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो, छायादार इलाके में रखिए, काफ़ी अच्छे से ये पौधा चलता है। पौधे की अगर मिट्टी की बात करें तो इसको प्रॉपर नमी वाली मिट्टी ज़्यादा पसंद है। अगर इसमें आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये इसकी जड़ सूखने लगती है और सड़ने लगती है, जिससे कि ये पौधे की पत्ती भी ख़राब हो जाती है और फंगस का अटैक बढ़ जाता है। अगर आप इसमें कम पानी दे रहे हैं तो ये पौधा अच्छे से चल जाएगा, बहुत कम पानी दे रहे हैं तो ये पौधा सूख भी जाएगा। तो आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और कम पानी भी नहीं देना है, अन्यथा ये हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। पौधे का आप घेराव देख सकते हैं, अच्छे घास है, ये गोल घेराव में पैदा होता है पौधा, और इसमें वाइट कलर का पत्ते नुमा ही फूल निकलता है। आप सर्च करके देख भी सकते हैं, और जब इसमें फूल आ जाएगा तो हम आपको इसको दिखा देंगे कि किस तरीके से इसका फूल होता है। अभी ये हमने एक नर्सरी से ये पौधा लाए थे और इसको हमने एक अलग जगह पे इसको ग्रो किया था, जिसको इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, और इसको आप देख सकते हैं कि हमने एक डिलीवरी पॉट में पॉलीथीन उसी में ही इसको अभी लगा रखा है। जल्द ही इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो वो वीडियो आपको दिखाएंगे। पौधे में अगर टेम्परेचर की बात करें तो यह पौधा लगभग 19 डिग्री से 25 डिग्री की टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और अच्छा चलता भी है। मतलब ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी चलेगा, लेकिन आप उसको डायरेक्ट सनलाइट पे ना रखिए, उसको आप किनारे रखिए। तो पौधे को स्पैथलियम भी बोलते हैं, जिसका इसको अमेरिका साइड भी बोला जाता है। और पौधे में अगर आपको किसी फंगसाइड का अटैक से बचाना है तो इसमें नीम खली पाउडर या नीम लिक्विड मार्केट में मिल जाता है, उसको आप छिड़काव करते रहते हैं तो समय समय पर, जैसे कि हफ्ते में एक बार कर दिया तो ये इसमें फंगस का अटैक भी नहीं होता है और ये पौधा अच्छे से चलता है और जल्दी फ्लावरिंग भी आना चालू हो जाता है। पौधे की अगर मिट्टी की बात करें, अगर आपको उसकी मिट्टी तैयार करनी है तो इसकी मिट्टी अगर आप 50% गार्डन सॉइल ले लें और उसमें कुछ बहुत बालू की मात्रा मिला दें, कम से कम 25% उसमें आप गोबर की खाद मिला दें और 25 से 20% अगर आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला दें तो एक अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाती है, उसमें अगर आप लगाते हो तो ये पौधा अच्छे से लगता है। क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है तो इसमें थोड़ी सी ह्यूमिड इलाके में अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें अपने क्षेत्रीय आसपास परिवेश में, तो ये इसकी जो पत्तियां हैं ज़्यादा ग्रोथ करती हैं और जड़ भी ज़्यादा फैलती है। इससे क्या होता है कि इसमें फूल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आ जाता है। तो अगर आपको फूल लेना है तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, किसी छायादार जगह पर रखना है जहाँ पर दिन की आधे घंटे की भी धूप, एक घंटे की धूप लग जाए तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट धूप ना लगे, सनलाइट इफेक्ट दिखता रहे तो भी ये पौधा पत्तियाँ जो है अच्छे से चल जाती हैं। और बीच बीच में जैसे कि अगर आपके पास स्प्रे है तो स्प्रे की सहायता से इसकी पत्तियों के ऊपर से आप छिड़काव करिए, उससे क्या होता है एक तरीके का परिवेश बन, जिससे कि इसमें पत्तियाँ ज़्यादा होने लगती हैं। और जब पत्तियाँ जिस तरह से ज़्यादा होने लगती हैं तो क्योंकि इसका जो फूल है वो पत्तियों के बीच से ही निकलता है, जो कि वाइट कलर का पत्ती नुमा ही होता है, काफ़ी अच्छा पौधा होता है, जिसे हम आपको जल्दी ही अपने वीडियो में दिखाएंगे, या आप सर्च करके भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये पौधा और उसकी फूल भी होता है। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ, तो जुड़े रहिए, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए राम राम, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।